और अब देखते हैं विस्तार से समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस की यात्रा के दौरान प्रवासी भारतीयों से मुलाकात की। एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने वैश्विक परिदृश्य में भारत की बदलती भूमिका को बताया। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत अब समस्याओं का समाधान करता है। भारत विश्व बंधुत्व, डायलॉग और डिप्लोमेसी में भरोसा जताता है। भारत उभरते विश्व में नई उम्मीद है। इक्कीसवीं सदी भारत की सदी है। आज विश्व बंधु के रूप में भारत दुनिया को नया भरोसा दे रहा है। भारत की ग्रोइंग कैपेबिलिटीज ने पूरी दुनिया को स्टेबिलिटी और प्रॉस्पेरिटी की उम्मीद दी है। न्यू इमर्जिंग मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर में भारत को एक मजबूत पिलर के रूप में देखा जा रहा है। जब भारत पीस, डायलॉग और डिप्लोमेसी की बात कहता है तो पूरी दुनिया सुनती है। जब भी दुनिया पर संकट आता है तो भारत सबसे पहले पहुंचने वाला देश बनता है और भारत दुनिया की उम्मीदों को पूरा करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगा। प्रधानमंत्री ने भारत रूस के संबंधों पर खुशी जाहिर की और एक नई शुरुआत करते हुए कजान और यकातेरिनबर्ग में भारत के दो नए काउंसुलेट खोले जाने की घोषणा की। कजान और यकातेरिनबर्ग में दो नए काउंसुलेट खोलने का निर्णय लिया गया। इससे आना जाना और व्यापार कारोबार और आसान होगा। साथियों, हमारे संबंधों का एक प्रतीक अस्ट्राखान का इंडिया हाउस भी है। 17वीं शताब्दी में गुजरात के व्यापारी वहां बसे थे। दो साल पहले नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर से पहला कॉमर्शियल कंसाइनमेंट भी यहां पहुंचा। ये कॉरिडोर मुंबई और अस्ट्राखान की पोर्ट सिटी को आपस में जोड़ता है। अब हम चेन्नई, व्लादिवास्तोक, ईस्टर्न मैरिटाइम कॉरिडोर पर भी काम कर रहे हैं। भारत रूस की मजबूत साझेदारी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि दोनों के लोगों के बीच रिश्ते इतने स्वाभाविक और सहज हैं कि वे सरकारों के दायरे से कहीं ऊपर हैं। उन्होंने राष्ट्रपति पुतिन की प्रशंसा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रपति पुतिन के नेतृत्व में दोस्ती की गर्मजोशी और आपसी विश्वास जारी है। हमारे रिश्तों की दृढ़ता अनेक बार परखी गई है और हर बार हमारी दोस्ती बहुत मजबूत होकर के उभरी है। भारत रूस की इसी दोस्ती के लिए मैं विशेष रूप से मेरे प्रिय मित्र प्रेसिडेंट पुतिन की लीडरशिप की सराहना करूंगा। उन्होंने दो दशक से ज्यादा समय तक इस पार्टनरशिप को मजबूती देने के लिए शानदार काम किया है। बीते 10 सालों में मैं 6ठी बार रशिया आया हूं और इन सालों में हम एक दूसरे से 17 बार मिले हैं। ये सारी मीटिंग ट्रस्ट और रिस्पेक्ट को बढ़ाने वाली रही है। जब हमारे स्टूडेंट्स
संघर्ष के बीच फंसे थे, तो प्रेसिडेंट पुतिन ने उन्हें वापस भारत पहुंचाने में हमारी मदद की थी। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि देश ने 60 साल बाद जो विश्वास एक सरकार पर जताया है वो ऐतिहासिक है। किसी सरकार को तीसरी बार सेवा का मौका देना अभूतपूर्व है। ऐसे में उनकी सरकार की जिम्मेदारी है कि वे तीसरे टर्म में 3 गुना ज्यादा परिश्रम करें और भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएं। अपने तीसरे टर्म में मैं 3 गुनी ताकत से काम करूंगा। और ये भी एक संयोग है कि सरकार के कई लक्ष्यों में भी 3 का अंक छाया हुआ है। सरकार का लक्ष्य है तीसरे टर्म में भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाना। सरकार का लक्ष्य है तीसरे टर्म में गरीबों के लिए 3 करोड़ आवास बनाना, 3 करोड़ घर बनाना। सरकार का लक्ष्य है तीसरे टर्म में 3 करोड़ लखपति दीदी बनाना। बीते 10 साल में आर्थिक सामाजिक विकास की रफ्तार को प्रधानमंत्री ने प्रवासियों के सामने रखा। उन्होंने बताया कि कैसे भारत का चंद्रयान सफल रहा, कैसे दुनिया का तीसरा बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम भारत में है, कैसे भारत सेमीकंडक्टर और मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का हब बन रहा है। प्रधानमंत्री ने इस बदलाव का श्रेय 140 करोड़ भारतीयों के सामर्थ्य को दिया। प्रधानमंत्री ने भरोसा जताया कि सरकार की नीति देश का सामर्थ्य मिलकर भारत को विकसित भारत जरूर बनाएंगे। आने वाले 10 साल और भी फास्ट ग्रोथ के होने वाले हैं। सेमीकंडक्टर से इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग तक, ग्रीन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रिक व्हीकल तक और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, भारत की नई गति दुनिया के विकास का, और मैं बहुत जिम्मेवारी से कह रहा हूं, दुनिया के विकास का अध्याय लिखेगी। आज ग्लोबल इकोनॉमी की ग्रोथ में 15% भारत कंट्रीब्यूट कर रही है। आने वाले समय में इसका और ज्यादा विस्तार होना तय है। ग्लोबल पॉवर्टी से लेकर क्लाइमेट चेंज तक हर चैलेंज को चैलेंज करने में भारत सबसे आगे रहेगा। और मेरे तो डीएनए में है चुनौती को चुनौती देना। तो भारत की बढ़ती सामर्थ्य और किस तरह से वैश्विक पटल पर ये सामर्थ्य एक महत्व रखता है, प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में बेहद महत्वपूर्ण बातें कहीं। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खास मेहमान। हमारे साथ हैं पूर्व वरिष्ठ राजनयिक अशोक सज्जनहार जी। सज्जनहार जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले प्रधानमंत्री के संबोधन पर ही आपसे बात करेंगे। प्रधानमंत्री ने जिस तरह से कहा कि मैं देश की मिट्टी की खुशबू लाया हूँ, बेहद भावुक उनका संबोधन, लेकिन उसके बाद जब वो संबोधन में आगे बढ़े तो देश किस तरह से सामर्थ्यवान हो रहा है और उस सामर्थ्य की विश्व में किस तरह से धमक दिखाई दे रही है, उसकी क्या भूमिका हो सकती है, किस तरह से देखते हैं इसे? जी बहुत शुक्रिया रमा जी मुझे आमंत्रित करने के लिए। आपने बिल्कुल ठीक कहा है, बहुत भावुक तो थे परंतु बहुत ही रियलिस्टिक भी थे, बहुत ही प्रैग्मैटिक थे, क्योंकि उन्होंने जो बातें कही हैं वो भावुकता की बातें नहीं कही हैं। भावुकता तो जोड़ने के लिए अपने साथ लोगों को उन्होंने कहा है, परंतु उन्होंने और जो कहा है
सब तथ्य दिए हैं और उन्होंने कहा ये देखिए पिछले 10 साल से भारत ने क्या क्या ऊंचाइयां प्राप्त की हैं। भारत जब प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यभार संभाला था 2014 में तो आपको याद होगा, आपके देखने सुनने वालों को याद होगा, जो भारत की श्रेणी थी वो 10वें 11वें नंबर पर थी पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में। अब हम 5वें नंबर पर आ गए हैं और उसके साथ साथ $4 ट्रिलियन इकोनॉमी हमारी हो गई है, अगले 2 साल में $5 ट्रिलियन इकोनॉमी होने वाली है और हम 3रे नंबर पर पहुंच जाएंगे। इस समय अगर देखें तो अगर पिछले साल का हम आंकड़ा देखें तो भारत ने 8.2% हमारी जो अर्थव्यवस्था की दर है, बढ़ने की दर है, वो थी, वो पूरी दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ता हुआ बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। भारत के पास और भी बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। देखिए भारत एक बहुत ही बड़ा राष्ट्र तो है, हमारी जनसंख्या बहुत है, परंतु सबसे जिसे कहा जाए युवा राष्ट्र भी है पूरी दुनिया में। हमारी जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण एडवांटेज है और इसी का प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा जो हम इतनी ऊंचाइयों तक चढ़ पाए हैं और आगे भी चढ़ेंगे। जो विकसित भारत का उन्होंने एक आह्वान दिया है 2047 तक, वो भारत की 140 करोड़ जनता जिसमें करीब 65% युवा जनता है वो आगे ले जाने में इसमें बहुत सामर्थ्य होगी। तो अब इस समय अगर देखा जाए तो भारत एक पूरी दुनिया के लिए पार्टनर ऑफ चॉइस बन गया है, क्योंकि सभी देश जो हैं वो चाहते हैं भारत के साथ अपने संबंधों को अच्छा करना, अपने संबंधों को और आगे ले जाना। मैं समझता हूं ये बहुत ही महत्वपूर्ण उनका उद्बोधन था भारतीय समुदाय के लिए, क्योंकि एक तो वो 5 साल बाद आ रहे हैं रूस में, 2019 में पहले आए थे, 2024 में अब आए हैं, और अगर किसी भारतीय समुदाय को उनका जो एड्रेस है वो उनकी तीसरी जब उन्होंने तीसरी बार शपथ ग्रहण की है जो कि एक बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है, उसके बाद ये पहला उनका उद्बोधन है और वो उन्होंने उनको बताया पूरी दुनिया में जो भारतीय हैं करीब 4.40 करोड़ के आसपास जो भारतीय हैं उनको भी ये संदेश दिया है जो सबको हमको भारत किस स्थिति में है और हम सबको मिलकर काम करना है भारत को विकसित बनाने के लिए 2047 तक। बिल्कुल सज्जना जी, बड़ी अच्छी आपने एक लाइन दी है कि पार्टनर ऑफ चॉइस भारत बन गया है और इसी वजह से जो ये दौरा है इस पर दुनिया भर की निगाहें भी हैं। जी आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, क्योंकि अगर हम देखें पिछले 2.5 साल से जब से रूस ने यूक्रेन में युद्ध प्रारंभ किया है तब से भारत के ऊपर बहुत दबाव आ रहा है, बहुत ही सामरिक दबाव आ रहा है, बहुत ही आर्थिक दबाव आ रहा है, जो आप रूस से तेल मत खरीदिए, रूस को आप क्रिटिसाइज करिए, रूस को आप कंडेम करिए क्योंकि उसने यूक्रेन के ऊपर हमला किया है, परंतु भारत ने अपने जो सामरिक संबंध हैं रूस के साथ वो आज के नहीं है, पिछले 10 साल के नहीं है, पिछले 50 साल के नहीं है, उससे भी पहले के हैं। कैसे रूस ने भारत का हमेशा साथ दिया है जब और देशों ने भारत की चाहे वो आलोचना की हो या भारत के विरुद्ध सैंक्शंस भी लगाए हो 1998 में, रूस या सोवियत संघ कभी उसने भारत का साथ नहीं छोड़ा है, चाहे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में हो, चाहे जब गोवा के ऊपर बातचीत हो रही थी 1960 में, चाहे 1970 में जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था बांग्लादेश की आजादी के लिए। बिल्कुल सज्जन हार जी, आपसे बातचीत जारी रखेंगे लेकिन हम अपने दर्शकों को बता दें कि प्रधानमंत्री ने जो रशियन कल्चरल ट्रूप है उससे मुलाकात की है और ये दृश्य आप देख रहे हैं जो सांस्कृतिक संबंध हैं भारत और रूस के उन्हें और मजबूत होता हुआ देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ पर जो कलाकार हैं उनसे बातचीत करते हुए, उनसे मुखातिब होते हुए, और वो अपने अनुभव प्रधानमंत्री के साथ साझा कर रहे हैं, अपनी भावनाएं जो हैं वो प्रधानमंत्री के समक्ष व्यक्त कर रहे हैं। और ये जो संबंध हैं, अगर भारत और रूस के सांस्कृतिक संबंधों की बात करें तो वो विश्व प्रसिद्ध हैं और एक बड़ा कनेक्ट भारत और रूस के बीच में वो दिखाते हैं और इसे और मजबूत करते हैं और उसी मजबूती को ये दृश्य दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।
बात करते हुए, जो कल्चरल ट्रुप है उसके कलाकारों से और उनसे उनकी जो भावनाएं हैं उनको सुनते हुए और उनसे अपने विचार साझा करते हुए। और ये दृश्य हैं, ये अपने आप में दृश्य दिखाते हैं कि किस तरह का एक कनेक्ट है भारत और रूस के बीच में। और ये जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है और ये जो सांस्कृतिक कनेक्ट है, किस तरह से दोनों देशों की रिश्तों की मजबूती को और ज़्यादा पुख्ता करता है। तो प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में भी कहा कि भारत और रूस के बीच जो रिश्ता है वो अनूठा है, वो अनोखा है, वो लगातार मजबूत हो रहा है। और पीपल टू पीपल कनेक्ट पर ख़ास तौर पर उन्होंने जोर दिया और ये जो सांस्कृतिक संबंध हैं ये उसी कनेक्ट को और ज़्यादा मजबूत करते हैं और वही मजबूती दिखाई दे रही है। और ये उस वक्त भी दिखाई दी जब इन कलाकारों ने प्रधानमंत्री के स्वागत में वहाँ पर अपना कार्यक्रम प्रस्तुत किया, जो कि भाव विभोर करने वाला था, जो भारतीय संस्कृति से प्रोत्साहित था, ओतप्रोत था और अपने आप में दिखा रहा था कि ये जो संबंधों का बंधन है ये और ज़्यादा कितना मजबूत हो रहा है। तो बेहद महत्वपूर्ण ये दृश्य, प्रधानमंत्री अपनी भावनाएं साझा करते हुए और वहाँ पर बात सुनते हुए। तो लगातार हम इन दृश्यों को आपको दिखा रहे हैं और क्या अर्थ है इन दृश्यों का जो लगातार मॉस्को से आ रहे हैं। हमारे साथ विशिष्ट मेहमान जुड़े हुए हैं, अशोक सज्जनहार जी हमारे साथ मौजूद हैं। सज्जनहार जी, आप बता रहे थे अगर हम बात करते हैं भारत और रूस के संबंधों की, एक बड़ी रणनीतिक साझेदारी जो लगातार मजबूत हो रही है। अभी हमने दृश्य देखे प्रधानमंत्री जो वहाँ पर कलाकारों से बात करते हुए, और कल भी प्रधानमंत्री का जिस तरह से स्वागत हुआ, ये सांस्कृतिक संबंध हैं, ये इस कनेक्ट को कितना मजबूत करते हैं। जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, जैसे प्रधानमंत्री ने कहा जो हमारा पीपल टू पीपल कनेक्ट बहुत ज्यादा है, तो देखिए जो कल उनका जो स्वागत किया गया वो तो भारतीय मूल के वहां पर लोग जो थे, जो वहां पर रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, उन्होंने आकर प्रधानमंत्री मोदी का वहां पर स्वागत किया। जब भी प्रधानमंत्री जाते हैं, चाहे वो अमेरिका जाएं, फ्रांस जाएं, यूके जाएं, तो जो भी वहां पर हमारा, जिसे कहा जाता है भारतीय डायस्पोरा है, वो आकर, क्योंकि उनमें बहुत ही उमंग होती है, उनमें बहुत ही उत्साह होता है, क्योंकि उनको पता चला है जो जब से प्रधानमंत्री मोदी आए हैं तो भारत की जो प्रोफाइल है, भारत का जो कद है, जो रुतबा है पूरी दुनिया में, वो कैसे ऊंचा हुआ है। और अगर भारत का कद ऊपर होता है तो उनका भी वहां पर जो प्रेस्टीज है अपने जानने माने लोगों के साथ, वो भी बहुत बढ़ती है। आज जो प्रधानमंत्री मोदी इनके साथ बात कर रहे हैं, ये सभी देखिए रूसी लोग हैं, ये रूसी बच्चियां हैं, ये रूसी युवा युवतियां हैं, और इनके दिल में भारत के लिए इतना अथाह प्रेम है। देखिए, मैं आपको बता सकता हूं, क्योंकि मैं बहुत साल पहले वहां पर डायरेक्टर था जवाहरलाल नेहरू कल्चरल सेंटर के लिए। वहां पर लोग भारत अभी आए भी नहीं है, परंतु उनके दिल में, दिमाग में, मन में ये लालसा है, जो भारत के जो सांस्कृतिक नृत्य हैं, चाहे भरतनाट्यम हो, कथक हो, कुचिपुड़ी हो, ओडिसी हो, उसको हम सीखें और उसमें महारत हासिल करें। वहां पर न केवल मॉस्को में, आप देखिए वाली बहुत सभी ज्यादातर आपको दिखाई देंगी जो रूसी नव युवतियां हैं, बालिकाएं हैं, जो ये सीख रही हैं, और ये जो युवक हैं ये भी रूस के सिटीजन हैं, नागरिक हैं। तो वहां पर न केवल मॉस्को में, वहां तो बहुत सारे ऐसे स्कूल्स उत्पन्न हो गए हैं जो कि भारतीय नृत्य को सिखाते हैं, चाहे वो डांस हो, चाहे वो तबला हो, चाहे वो गायकी हो या और प्रकार के हो। परंतु दूर दराज सेंट पीटर्सबर्ग में आप देख लीजिएगा, यकतरिनबर्ग में अभी जो प्रधानमंत्री मोदी ने वहां पर घोषणा की, जो वहां पर एक कॉन्सुलेट खोला जाएगा, जहां सबसे पहले ब्रिक्स समिट हुआ था 2009 में कजान में, तो वहां पर भी बहुत स्कूल खुले हुए हैं और जो वहां के बच्चे हैं स्कूलों में, कॉलेजेस में, चाहे वो भारत नहीं आए हों, परंतु उनमें ये एक बहुत
जोरदार इच्छा रहती है जो भारत के कल्चर के साथ मिले, भारत की संस्कृति के साथ मिले, भारत की जो नृत्य शैली है उसके साथ मिले और जुड़कर काम करें, तो वहां पर ये बहुत ही हमारी एक धरोहर है। हमारे पास पहले ये समझा जाता था जो जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो ये सब तितर बितर हो जाएगा, ये बिखर जाएगा, ऐसा नहीं हुआ, ये आगे और बढ़ता जा रहा है और हमारे जो संबंध है उनको एट द लेवल ऑफ पीपल, जो मनुष्य के लेवल पर, जो आम आदमी के लेवल पर, ये दोनों देशों को जोड़ता है और ये हमको मेरे विचार से इसमें ये स्ट्रेंथ लाता है हमारे दोनों देशों के बीच में, जिससे कि ऊपर की जो बातचीत होती है वो तो सरकार के बीच में होती है, वो तो गवर्नमेंट के बीच में होती है, जो कैसे हमारे डिफेंस कोऑपरेशन हो, कैसे एनर्जी कोऑपरेशन हो, कैसे न्यूक्लियर एनर्जी कोऑपरेशन हो, परंतु उन सब को जो शक्ति देता है और जो ऊर्जा देता है वो यही पीपल टू पीपल कनेक्ट है, जो प्रधानमंत्री मोदी के साथ हम देख रहे हैं, ये सभी जिन्होंने अभी कार्यक्रम पेश किया है वो उनके साथ बातचीत कर रहे हैं। जी सज्जन हार जी, जिस तरह से आपने बताया कि आप वहाँ पर रहे भी हैं और आपने जो ये सब वहाँ पर एक कनेक्ट है और जो भारतीय संस्कृति की झलक और लोगों में चाहत है, अगर भारतीय सिनेमा की बात करें, मेरा जूता है जापानी कितना वहाँ पर गाया जाता था और भारतीय सिनेमा के प्रति जो वहाँ पर लोगों की रुचि है वो भी देखने में मिलती है। इन्हीं सांस्कृतिक संबंधों को आगे बढ़ाते हुए आपने बताया कि कई तरह के जो संस्थान हैं वो खोले गए रूसी सिखाने के लिए या हिंदी सिखाने के लिए, वहाँ पर जो है छात्रों की संख्या किस तरह से आप ये देखते हैं कि ये एक आगे अगर हम एक बड़े विस्तार में देखें, बड़े फलक पर देखें, तो चाहे रोजगार से संबंधित हो, चाहे रिश्तों से संबंधित हो, चाहे एक प्रभाव से संबंधित हो, इन सभी बहुआयामी जिसे कहते हैं कि परिप्रेक्ष्य में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है और इसमें क्या क्या कदम उठाए गए, क्या क्या संभावनाएं हैं। जी आपने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। देखिए जब सोवियत संघ था तो तब तो ये समझा जा रहा था जो रूस के सोवियत संघ के पास उस समय कोई विकल्प नहीं था, कोई अल्टरनेटिव नहीं था, क्योंकि वो केवल या भारत की तरफ उसका उसके दरवाजे खुले थे या फिर और जो कम्युनिस्ट देश हैं उनकी तरफ, चाहे वो वियतनाम हो, अफगानिस्तान हो, चीन के साथ, परंतु चीन के साथ उसके रिश्ते खराब होने शुरू हो गए थे। तो ये फिर उसमें ये समझा जा रहा था जो ये जब रूस का विघटन, सोवियत संघ का विघटन हुआ तो ये वाले सब जो रिश्ते हैं खत्म हो जाएंगे, क्योंकि उसके बाद अमेरिका भी वहां पर आया, फ्रांस, जापान, सभी देशों का वहां पर ओपनिंग हो गई। परंतु फिर भी जो आकर्षण है रमा जी भारत के लिए वहां पर, वहां के युवा युवतियों में, वो कम नहीं हुआ है और उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। और हमारे जो चाहे व्लादिवोस्तोक में कल्चरल सेंटर है या मॉस्को में, जैसे मैंने बताया जिसका मैं निदेशक था, जवाहरलाल नेहरू कल्चरल सेंटर, तो वहां पर वो इसको बहुत ही ज्यादा इंकरेजमेंट दे रहे हैं, प्रमोशन कर रहे हैं, प्रोपोगेशन कर रहे हैं, बहुत कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। तो ये सब इसका योगदान है जो हम आज देख रहे हैं, जो अभी भी बिल्कुल एक बड़ा योगदान है और महत्वपूर्ण भूमिका भी निभा रहा है। मॉस्को से हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं, सुधीर यादव इस वक्त हमारे साथ हैं। सुधीर, हमने देखा प्रधानमंत्री ने इंडियन डायस्पोरा को संबोधित किया और बेहद महत्वपूर्ण बातें कहीं। सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे कि मॉस्को में इंडियन डायस्पोरा की कितनी बड़ी भूमिका है और प्रधानमंत्री का ये संबोधन कितना एनकरेज करता हुआ उन्हें दिखाई दे रहा है। बिल्कुल रमा, देखिए जिस तरीके से लगातार प्रधानमंत्री पूरी दुनिया में जो इंडियन डायस्पोरा है उसको लगातार एनकरेज करते रहते हैं, उसी तरीके से जो रूस में भारतीय डायस्पोरा है उसको देश में विकास की रफ्तार किस तरीके से बढ़ रही है, लगातार सरकार किस तरीके से काम कर रही है, गरीबों का उन्नयन कैसे किया जा रहा है, लखपति दीदी की उन्होंने बात की, कितनी तेज़ी से सड़कें बनाई जा रही हैं, विश्व को तीसरी इकोनॉमी कैसे बनाना है, भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी किस तेज़ी की रफ्तार से आगे लेकर आना है, ये तमाम बातें उन्होंने बताई और साफ तौर पर आकर्षण लोगों में नज़र आया, भारतीय जो समुदाय है लगातार उनको सुनते हुए नज़र आया।
ये अपने आप में साफ तौर पर दर्शाता है। और यहाँ प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर भी कहा कि जो लिंक्स हैं रूस के साथ वो और ज़्यादा बेहतर बनाए जाएंगे, कज़ान और इसके साथ ही दो जो इलाके हैं वहाँ और सेंटर खोले जाएंगे, जिससे कि जो लिंक्स हैं भारतीयों का यहाँ आना जाना, उनकी जो सुविधा है उनको और ज़्यादा आगे बढ़ाया जा सके। बिल्कुल ज़ाहिर तौर पर अपने आप में बहुत खासा अहम। और इसके बाद की बात मैं अगर करूँ रमा, तो अब प्रधानमंत्री पहुँचेंगे टॉम ऑफ अननोन सोल्जर, इसके बाद वहाँ श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे और उसके बाद एटम सेंटर जाएंगे और फाइनली जो 22वां भारत रूस शिखर सम्मेलन है वो उसमें हिस्सा लेंगे। जी रमा, बिल्कुल अपने आप में आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे साथ सज्जन आरजी भी जुड़े हुए हैं। सज्जन आरजी, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरह से हमारे संवाददाता ने बताया कि एक बड़ा जो कनेक्ट है वहाँ पर दिखाई दे रहा है और उस कनेक्ट को बढ़ाने की कोशिश भी की जा रही है, जो इंडियन डायस्पोरा है, प्रधानमंत्री ने उन्हें राष्ट्रदूत कहा, कितना अहम हो जाता है ये? और इसके साथ ही अगर हम दोनों देशों के जो बढ़ती लगातार रणनीतिक साझेदारी है उसमें जो इंडिया की सॉफ्ट पावर है उसकी कितनी बड़ी भूमिका देखते हैं? जी, बहुत ही महत्वपूर्ण है डायस्पोरा का, जैसे आपने कहा। और ये पूरी दुनिया में मैं समझता हूँ पिछले 10 साल से जब से प्रधानमंत्री मोदी आए हैं उन्होंने हर जगह गए हैं, एक अपना इंटेग्रल एलिमेंट बना लिया है जो डायस्पोरा को मुझे एड्रेस करना है। तो देखिए रमा, ये एक संदेश जाता है वहां की जो लोकल गवर्नमेंट है। जब प्रधानमंत्री जाते हैं न्यूयॉर्क में वो एड्रेस करते हैं, वॉशिंगटन में, सैन फ्रांसिस्को में एड्रेस करते हैं, तो वहां की जो लोकल गवर्नमेंट है वो भी ये समझती है जो ये जो डायस्पोरा है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है भारत की जो गवर्नमेंट है, सरकार है, और हमको भी उसको ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए। इसीलिए आप देखते हैं मिडल ईस्ट में भी, अभी वहां पर अबू धाबी में इतने बड़े भव्य मंदिर का वहां पर उद्घाटन हुआ, क्योंकि वहां की जो सरकार है वो भी फैसिलिटीज देती है। अगर भारतीय सरकार वहां पर अपने जो डायस्पोरा है उनकी तरफ ध्यान नहीं दे, तवज्जो नहीं दे, तो जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं वो भी उनके जो मसले हैं, उनके जो इंटरेस्ट हैं, हित हैं, उनको वो इतनी अच्छी तरीके से नहीं देखेंगे। और रूस में भी जी बिल्कुल यही बात है। रूस में हमारे बहुत वहां पर लोग गए हैं, रह रहे हैं, वहां पर बिजनेस में काम कर रहे हैं, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो मेडिकल यूनिवर्सिटीज में है, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज में है, और उन सब का भी ख्याल रखना ये बहुत एक बड़ा आत्मविश्वास भी उनमें दिखाई देता है सरकार के लिए। बिल्कुल, सुधीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुधीर, हम बात कर रहे हैं किस तरह से इंडियन डायस्पोरा में एक बड़ा कॉन्फिडेंस दिखाई देता है जब प्रधानमंत्री मोदी वहां पर जाते हैं और उन्हें उनकी सामर्थ्य के बारे में जो बताते हैं और देश किस तरह से उनके साथ खड़ा है। आपसे ये भी जानना चाहेंगे, प्रधानमंत्री के आगे का कार्यक्रम आपने बताया है कि जो वो सैनिकों की समाधि पर वहां पर जाएंगे, तो उसके बारे में भी हम आपसे जानना चाहेंगे कि उसके बारे में किस तरह से आप बताएंगे। प्रधानमंत्री का ये जो दौरा है कितना अहम हो जाता है, और इसके साथ ही इसके बाद जो प्रधानमंत्री एक प्रदर्शनी में भी जाएंगे उसके बारे में भी क्या जानकारी आपके पास है? बिल्कुल रमा, देखिए भारतीय समुदाय को संबोधित करने के बाद प्रधानमंत्री टॉम ऑफ अननोन सोल्जर पर आ रहे हैं, यहाँ श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने लगातार, अगर हम अपने देश की भी बात करें, तो जिस तरीके से सुरक्षा बलों के प्रति उन्होंने जो सम्मान जताया, हमेशा ये कहा कि सुरक्षा बल का जो कर्तव्य है, जिस तरीके से वो देश के प्रति बलिदान देते हैं उनके प्रति हमें आदर का भाव रखना चाहिए। तो यहाँ आकर जो टॉम ऑफ अननोन सोल्जर है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर है उसमें जो भारतीय जो रूसी सैनिक शहीद हुए थे उनकी सम्मान में ये बनाया गया, यहाँ आकर वो श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। इसके साथ ही एटम सेंटर भी वो वहाँ जाएंगे, और जो एटॉमिक रिवॉल्यूशन रहा है रसिया का, खासतौर पर कि जिस तरीके से एटॉमिक चीज़ें किस तरीके से डेवलप की गई हैं वो उनको देखेंगे। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी उनके साथ होंगे। रमा, यहाँ में ऑन बोर्ड हमारे साथ जो सहयोगी हैं अरुण शर्मा, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरुण, जिस तरीके से जो भारतीय समुदाय को संबोधित किया, आपको क्या लगता है क्या मेन पॉइंट्स रहे, किस तरीके से बहुत ज़्यादा अच्छा संबोधन रहा? देखिए, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने क्लियरली इंडिया ग्रोथ स्टोरी को हाईलाइट किया। एक सबसे बड़ा जो अनाउंसमेंट आप कह सकते हैं जो भारतवासी जिसका इंतजार करते हो, कॉन्सुलेट्स का जो ओपन होना, वो एक बहुत बड़ी बात निकल करके आती है, क्योंकि जिन लोगों को रशिया आना है उन लोगों के लिए जो कई फिर स्टूडेंट्स जो होते हैं, मेडिकल स्टूडेंट्स खासतौर पर, तो उनके लिए काफ़ी सहूलियत होती हुई आपको दिखाई देगी। तो इससे टूरिज्म प्लस पीपल टू पीपल कनेक्ट को बढ़ावा मिलता हुआ दिखाई देगा। लेकिन अगर इस पूरे विजिट को अगर आप समअप करने की कोशिश करें कि आखिर क्या कुछ बड़े कॉन्टोर्स इस समय पर प्राइम मिनिस्टर मोदी रख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि वेस्ट की
नज़रें खास तौर पर इस विजिट पर रहने जा रही है। तो हम जैसे कि जानते हैं कि टूम्ब ऑफ अननोन सोल्जर्स पर तो आ ही रहे हैं, लेकिन हमारे सोर्सेज इस समय पर हमें बता रहे हैं सुधीर कि इस विजिट की जो खास बात कह सकते हैं कि जो इंडियन साइड है फोकस करेगी कि एनर्जी, खासतौर पर एनर्जी को कैसे बढ़ावा दिया सके, जिसमें नो डाउट क्रूड आता है, नो डाउट आपके न्यूक्लियर सप्लाईज आती है, न्यूक्लियर एनर्जी को बढ़ावा देना आता है, एंड सेकेंड ऑफकोर्स इंपॉर्टेंट पार्ट ट्रेड को कैसे बढ़ावा देना, बिकॉज ट्रेड इंबैलेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रह सकता है। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आपको याद होगा कि जब एस यू समिट की साइडलाइंस पर पीएम मोदी ने कहा था दिस इज नो टाइम फॉर वॉर, तो इस बार जब प्राइम मिनिस्टर मोदी रशिया में आए हैं 3.0 के अंदर, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी का बहुत लाइकली कि इंडियन साइड इस बात को भी कन्वे करे कि सोल्यूशंस कैन नॉट बी फाउंड ऑन द बैटल फील्ड। तो जब अननोन टूम ऑफ अननोन सोल्जर्स पर प्रधानमंत्री होंगे, ये वो शहीद हैं जिन्होंने वर्ल्ड वॉर टू के अंदर अपनी जान न्यौछावर कर दी थी देश के लिए लड़ते हुए, लेकिन एक बात भी यहाँ पर एक मैसेजिंग और आती है कि जो बैटल फील्ड्स होते हैं वहाँ पर सोल्यूशंस नहीं निकलते, डिप्लोमेसी के साथ पीस के साथ में आपको सोल्यूशन फाइंड करना होता है। तो इस ऐसे समय में जब दुनिया भर की निगाहें इस विजिट के ऊपर है, खासतौर पर वेस्ट जाहिर तौर पर इस विजिट को देख रहा है, तो कई कई मायने में ये विजिट और अब से कुछ देर के अंदर प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो क्रेमलिन के अंदर प्रेसिडेंट पुतिन के साथ बातचीत होगी, तो इन तमाम कॉन्ट्रोवर्सी बेहद अहम बातें ट्रेड हमारे संवाददाता मॉस्को से वहां पर बता रहे हैं सुधीर भी और अरुण भी। सुधीर बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, आपसे आगे भी संपर्क होता रहेगा, जानकारी लेते रहेंगे। अशोक सज्जनहार जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और मिड